इंडिया की एक खास बात है कि यहाँ पर एक ही खाने को अलग अलग जगह पर बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है और इस तरह से मिलती हैं हमें ढेर सारी रेसिपीज। जैसे कि आज मैं आई हूँ हल्दीघाटी के हस्तकला केंद्र में, जहाँ हम सीखेंगे दाल और बाटी बनाने का बिल्कुल अलग तरीका। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इनसे सीखेंगे दाल बनाना। तो यहाँ पर इन्होंने एक पैन लिया है और इसमें डाल दिया है ज़ीरा, साथ में डाला है काफ़ी सारा लहसुन और हरी मिर्च। तो राजस्थानी खाने में ना हरी मिर्च, लाल मिर्च का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी तीखा और चटपटा खाना बनता है। इसके साथ ही इसमें इन्होंने डाला है बारीक किया हुआ प्याज और थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर। तो नॉर्मली वैसे हम लोग तो पहले प्याज भूनते हैं उसके बाद टमाटर डालते हैं, पर आपने देखा यहाँ पर इन्होंने प्याज और टमाटर एक साथ ही डाल दिया है और बस इसको ये चलाते हुए अच्छे से भून रहे हैं। फ्लेम तो देख ही सकते हो कितनी तेज़ है। तो जो ढाबे का खाना होता है या होटल का खाना है उसमें वो स्मोकी फ्लेवर्स आते हैं क्योंकि इस तेज़ फ्लेम की वजह से। और बस अब ये डाल रहे हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे इन्होंने डाला है लाल मिर्ची, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी। और मसाले जले नहीं, इसके लिए इन्होंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। और बस बहुत अच्छे से इसको ये मिक्स कर रहे हैं और बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी और डाल के इसको भूनते जाएंगे। और अब इसमें जा रही है दाल। तो भैया इसमें कौन कौन सी दाल है? तो इसमें अरहर, उड़द और मूंग की दाल है, जिसको कि इन्होंने पहले से बॉईल करके रखा है नमक डाल के। और बस इन्होंने ये दाल इसमें मिला दी है। तो यहाँ पे ना इस ढाबे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ना ये फटाफट सब जैसे जैसे ऑर्डर आता है उस तरह से फ्रेश फ्रेश खाना बनाते हैं, कुछ भी पहले से बना रखा नहीं है यहाँ पे। तो बस ये दाल मिलाते जा रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाते जा रहे हैं दाल की कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए। और बस दाल को अब अच्छे से बॉईल किया जाएगा। तो ये जो दाल तड़का बनके तैयार हुई है, आप चाहो तो उसको रोटी के साथ खा सकते हो या फिर आप इसको बाटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ। आई थिंक ये सबके साथ ही बहुत अमेजिंग लगेगी। और बस इन्होंने लास्ट में इसमें थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और ये देखिए दाल जो है फटाफट सर्व करने को तैयार हो गई है। कितनी जल्दी दाल बना के तैयार कर दी है, मे बी बिकॉज क्योंकि इनकी आँच जो चूल्हे की थी वो बहुत तेज़ थी और दाल भी पहले से पकी हुई थी। तो सिर्फ देखिए ये 2 से 3 मिनट में पूरी दाल बना के इन्होंने तैयार कर दी। और यहाँ ये बना रहे हैं बाटियाँ। तो यहाँ पे लिया इन्होंने आटा। तो ये आटा जो है ना ये बहुत मोटा पिसा है, ये आप देखो अगर आप इसको छू के देखोगे ना इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सूजी जैसी है। तो यहाँ पे इस आटे में सूजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये प्योर आटे की ही बाटियाँ होती हैं। इसमें इन्होंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अजवाइन और बेकिंग पाउडर। तो ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा नहीं डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है इसमें। और साथ में ये डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो बाटी है ना ये डिफरेंट तरह की बाटी है, ये सेक के बनने वाली बाटी नहीं है। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ये फटाफट तैयार हो जाती है। मुश्किल से 10 मिनट में आप एंड टू एंड पूरी बाटी तैयार करके रख सकते हो। और इसमें जा रहा है ये ऑयल मोइन के लिए। तो ये जो ऑयल है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, कोई गर्म तेल नहीं है, सादा है बिल्कुल तेल। और आप देखो किस तरह से इसको मिला रहे हैं पहले बिना पानी के, जिससे कि जो तेल है वो सारा आटे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और अब इसमें डाला जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा पानी। तो जो आटा ये गूंथ रहे हैं किस कंसिस्टेंसी का होगा मैं आपको बाद में छू के भी दिखा दूंगी, क्योंकि जो आटे की कंसिस्टेंसी होती है ना उससे बाटी किस तरह की बनेगी उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ जो बाटी मैंने जब भी राजस्थान में खाई तो वो बाटियाँ ऊपर से तो क्रिस्प होती है पर अंदर से ना एकदम सॉफ्ट होती हैं, तो उनको खाना बहुत ही आसान होता है और टेस्टी भी ज़्यादा लगती हैं। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये पानी डालते जा रहे हैं और इसको देखिए किस तरह से हाथों से ये अभी मिक्स कर रहे हैं सिर्फ पानी को। तो यहाँ पे मैंने देखा ये ना बहुत ज़्यादा नहीं गूँथ रहे हैं आटे को, बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। तो ये देखिए मैं आटे को आपको छू के दिखाती हूँ ना, एकदम सॉफ्ट है आटा, इसमें भी अभी भी ना थोड़ा थोड़ा गीलापन है। और इन्होंने बस थोड़ा सा तेल अपने हाथों में लिया है और इसके गोले बनाने शुरू कर दिए हैं। तो छोटे छोटे से गोले हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, जितने कि हम रोटी बनाने के लिए लोई लगाते हैं ना उतना ही लिया है। और इसको डाल रहे हैं ये कलछी में, देखिए किस तरह से पहले ये कलछी में डाल रहे हैं। और तेल का टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर तेल का कम है डालते समय। और ये देखिए इन्होंने कलछी से किस तरह से इसको ट्रांसफ़र कर दिया ऑयल में। और अब इन्होंने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया है, मतलब फुल पे नहीं किया है, थोड़ा सा तेज़ किया है। और अब बस इसको ये अच्छे से सिकने देंगे। तो उसको बस उलट पलट के अच्छे से सेकना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। तो आपने देखा ना ये बाटियाँ इन्होंने कितने आराम से बना ली, मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में इन्होंने दाल और बाटी ना बिल्कुल बना के तैयार कर दी हैं। और अब देख रहे हो ना कितनी अच्छी लग रही हैं, एकदम क्रिस्प लग रही हैं, ऊपर से अच्छे से सिक गई हैं।
तो ये देखिए बाटियां जो है तैयार है, लेकिन ये सीकू बाटी है और इसे फ्राई करके बनाते हैं। और ये देखिए हमारा खाना लग चुका है। ये है दाल जो तैयार की गई थी, और ये है चूरमा का लड्डू, सैलेड, और इसके साथ ये है बाटी, और ये दाल फ्राई वाली दाल, ये पनीर, इसके साथ तवा रोटी, और साथ में मिलती है यहाँ पर छाछ जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होती है। तो हम इसको टेस्ट करके भी देखते हैं। और दाल तो आपने देखा हमने कितनी फटाफट और मजेदार बनाई थी। तो ये देखिए हमारी बाटी बिल्कुल तैयार है और बहुत गर्म है, तो हम इसको तोड़ लेंगे इस तरह से, और इस पर डालेंगे हम ये दाल, और इसके साथ मिलती है यहाँ पर चटनी लहसुन वाली, बहुत तीखी पर बहुत बहुत मज़ेदार। तो दाल बाटी मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको, बहुत बहुत टेस्टी है। तो ये बाटी जो है रोस्टेड वाले से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये फ्राइड है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, बहुत बहुत सॉफ्ट, और दाल तो ऑफकोर्स बहुत ही टेस्टी बनाई है इन्होंने। तो ऐसा लगता है ना हमें कभी कभी कि दाल बाटी बनाना कितना कठिन है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, पर आज का वीडियो आपको देख के लगा होगा कि आसान है, आप भी इसे घर पे बना सकते हो। तो राजस्थान में बहुत तरह तरह की बाटियाँ फेमस है। इस बाटी का नाम इन्होंने जो मुझे बताया सीकू या सीखू, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको राजस्थानी खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो ट्राई करिएगा ये रेसिपी, एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।